मानना। भाई चेहरा कैसा हो रहा है आपका? क्या रात भर सोए नहीं? नहीं, मैं सो गया था। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी आंखें आपकी सारी कहानी कह रही हैं। नहीं, मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। जब कोई जान से प्यारी चीज छिन रही हो तो तकलीफ तो होती है। मैंने रात को कॉल की थी उसे सिर्फ ये कहने के लिए कि वो आपको रोक ले। आपसे निकाह कर ले। मैं, हमायूं, शबाना चाची, आलिया आंटी, मुनज्जा, फरहान, हम सब तो शरीक हो रहे थे ना आपके निकाह में, तो ये निकाह खुफिया कैसे हुआ? लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी जो निकाह माँ बाप की मर्जी के खिलाफ छुपकर होते हैं उनका भुगतान सारी जिंदगी उनकी औलाद को भुगतना पड़ता है, जैसे मैं भुगत रही हूं। ठीक ही तो कह रही है, सारी जिंदगी अपने ना करता गुनाह की आग में जलती रही है। अम्मी ने और ताया बुने से कभी माफ नहीं किया। लेकिन इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है भाई? कैद बा मुशक्कत भी 14 साल में पूरी हो जाती है, लेकिन ये कैसी सजा है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही? तो नहीं, वो मर क्यों नहीं जाती? रोज रोज मरने से तो बेहतर है एक ही बार मर जाए और जान छूट जाए उसकी। और आप जी लेंगे उसके बगैर? अभी भी तो जिंदा हूं, जी रहा हूं। क्या हुआ है मुझे? मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। उससे मोहब्बत का दावा करता हुआ अपनी मां के दिल से उसकी नफरत तक तो दूर कर नहीं सका। भाई टूटे हुए लगे सच दे मेरे टूटे हुए लगे See
हेलो हेलो, मैं वाकई जा रहा हूँ। तो जाओ, तुम्हें किसने रोका है? तुम क्यों रोकोगी मुझे? तुम्हें क्या परवाह मेरी? नहीं है परवाह। क्योंकि परवाह तुम्हें सिर्फ उन लोगों की नफरत की है जो तुम्हारा ना करता गुनाह कभी माफ नहीं करेंगे। सारी जिंदगी उनकी नफरतें समेटी हैं, इतनी आसानी से परवाह कैसे ना करूं? कितनी बेहतर तो आ गई। मैं मेरी मोहब्बत नजर नहीं, ऐसी मोहब्बत जो तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ और दुख का बाइस है। ऐसी मोहब्बत से तुम दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते हमजा? तुम हो गई हो मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार। मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। अगर की होती तो तुमको इतनी आसानी से छोड़ के जाने देती? इस बात का यकीन मान लो हमसे। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ तो झूठ ही सही। अम्मी, आप नाश्ते के लिए क्यों नहीं आ रही हैं? सब ठंडा हो रहा है। वो भी तो नाश्ता किए बगैर चला गया। कोई बात नहीं, आदत डाल लें। वैसे भी तो इतनी दूर अकेले जा रहे हैं, वहां कौन होगा उन्हें नाश्ता बनाकर देने वाला? रोक लो उसे, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। उन्हें सिर्फ हानिया रोक सकती थी, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। उसी की वजह से तो जा रहे है वो। तो ये बात कौन समझ रहा है? ना आप समझ रही हैं और ना ही वो समझ रही है। ये सब में नुकसान तो सिर्फ मेरे भाई का हो रहा है ना अम्मी। कितने बेचैन और बेकल हैं वो, सिर्फ आप दोनों के हाथों। कुछ नहीं कर सकते, किसी को नहीं मना सकते, ना आपको और ना ही हानिया को। लेकिन अम्मी, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। ना ना, तुझे से कुछ नहीं होगा, मेरी उम्र भी लग जाए मेरे बच्चे को। किसी को किसी की उम्र नहीं लगती है अम्मी, लेकिन हम उन्हें उनकी मर्जी की जिंदगी जीने का हक तो दे सकते हैं। ठीक
ठीक है, बुला उसे फोन करके, हानिया के पास चलते हैं। कितनी बार अम्मी, आप कितनी बार उस बेचारी की जात की तजलील करेंगी? हर बार वहां जाकर उसको धुतकार कर वापस आ जाती हैं। बस अम्मी, अब और नहीं। आपने कभी सोचा है अगर कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा सलूक करे तो? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कितने दिन बाद तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देख रही हूं मैं। जी अम्मी, बस कई महीनों से इस अजाब में थी। आप लोगों की परेशानी और दुख का भी सबब ही बनती रही हूं। आज जाके कुछ ये टेंशन कम हुई है। तुम हमारी वजह से मुहीस के पास वापस जा रही हो बेटे? नहीं अम्मी, दरअसल कल पहली बार मैंने उसके चेहरे पर सच्चाई देखी, फिर मुझे अपनी जिद नहीं अच्छी लगी। मैंने भी उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी है। अच्छा फैसला कर रही हो बेटे। अगर वो तुम्हारी तरफ पलटना चाहता है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। शायद यही मर्द और औरत का फर्क है अम्मी। अगर उसकी तरह मैं भी अपनी किसी मोहब्बत के किस्से सुनाती और फिर पलट कर वापस आती तो क्या वो मुझे कबूल करता? ये फर्क है एक शौहर और बीवी में। बीवियों को घर बनाना पसंद होता है, शौहरों के लिए आमतौर पर घरों की कोई अहमियत नहीं होती। जी, आपको भी सारी उम्र मैंने इसी कोशिश में हलकान होते ही तो देखा है। बाबा के लिए इस घर की कोई अहमियत नहीं और आपकी भी। हमारी तो बीत गई है बेटे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी उसी अजियत से गुजरे जिससे हम गुजरे हैं। हाँ भाई, क्या पट्टियां पढ़ा रही हो बेटी को? और मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तुम पर? जो मजलूमियत का लिबादा ओढ़ के बच्चों को ये सब बातें बताती हो ताकि उनके दिलों में मेरे लिए नफरत भर जाए। अम्मी ऐसा कुछ नहीं कह रही बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। समझ नहीं रहा बेटा, मैंने अपने कानों से सुना है। सारी जिंदगी इस औरत ने अपनी मर्जी तो की है, कब किसी की सुनी है? मेरे ना चाहते हुए भी उस हानिया को घर में ले आई। मेरी जगह कोई और आदमी होता, एक मिनट बर्दाश्त नहीं करता, घर में ही ना घुसने देता। मैं सब तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती फारूक। मुगीज़ और उसके घर वाले मुनज़ा को लेने के लिए आ रहे हैं। मेरी बेटी को खुशी खुशी उसके घर जाने दो प्लीज। ठीक, बाद में करते हैं तुमसे बात।
नजरअंदाज कर दे अम्मी। और क्या करती रही हूं आज तक? परेशान कर दिया मेरी बेटी को। बेटा हानिया, मेरे एक अपॉइंटमेंट है, मैं वो देख कर आती हूँ। हाँ ओके माँ। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है, बताओ मुझे। आप बिला वजह परेशान हो रही। कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे पे वही एक्सप्रेशन है जो हमारे बाप के गुजरने पे मेरे चेहरे पे। ना करे हमजा को कुछ। अब ऐसे क्या देख रही है? मोहब्बत करती हूँ ना उससे? नहीं, मैं जानती थी, लेकिन आज तो यकीन भी आ गया। प्लीज मॉम, इस बात को यही खत्म कर। ये बात तो मैं खुद से भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? जब वो भी तुमसे मोहब्बत करता है। अगर उसकी माँ मुझसे नफरत करती है। मोहब्बत के आगे नफरत की कोई हैसियत ही नहीं। कुछ जैसे समंदर की लहर के आगे रेत की ढेरी के रही। खत्म हो जाएगी ये नफरत। वो नहीं छोड़ के जा रहा है। कौन? हमजा? यार रुके करेगा भी क्या? हमेशा उसकी मोहब्बत का जवाब मैंने इतनी बेरुखी से दिया है। तो रोक लो उसे। उसे नहीं रोक सकती मॉम। उसे रोकने का हक नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है? वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें अपनाना चाहता है, तो क्यों नहीं रोक सकती? उसे जाने दे। उसकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तैयारी हो गई बेटा? मामा, भाई कब आएंगे नीचे तैयार होकर? कब जाएंगे हम मुनज्जा को लेने? आ रहा है बेटा, तैयार हो रहा है। तुम्हें इतनी बेचैनी किस बात की? मामा, भाई तो ऐसे तैयार हो रहे जैसे हम आज ही उनकी बारात लेके जा रहे हो। लो, आ गया मैं अपनी बारात के लिए तैयार होके। वाह, यू लुक सो हैंडसम। अलीना, माशाल्लाह बोलो, भाई को नजर लग जाएगी। क्या मतलब है? मैं अपने भाई को नजर लगाऊंगी? जी, नजर प्यार से भी लग जाती है। चलें, ये ले और आप ही मुनज्जा को दीजिएगा। इतना बड़ा बुके इतने लोगों के सामने, एम्बैरेसिंग लगेगा। तुम खुद दे देना। अच्छा चलिए, ठीक है, मैं दे दूंगी। अब चलें तो। पता नहीं फारूक भाई ने हमें क्यों बुलाया, क्या बात करनी है उन्हें हमसे? पता नहीं, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। भाई, अब ये क्या नया ड्रामा है? ड्रामा? कौन सा ड्रामा? तुम्हारे भाई का घर बसने वाला है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जरा भी खुशी नहीं तुम्हें? हाँ ठीक है, लगा ले सारे इल्जाम आप मुझ पे ही लगा ले, जबकि उल्टी सीधी हरकतें आप खुद कर रहे थे। चलो बेटा, देर हो रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। प्लीज बैठिए।
शबाना जी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक शुक्र। फारूक भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे ये लाए तो भाई थे पर उनको देते हुए शर्म आ रही है, वो मेरी तरफ से कबूल करो। थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, अगर उनका प्यार कबूल कर लिया तो ये बुके क्या बड़ी बात है। अरे वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया लड़की। इज्जत से बात करो, तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। भाभी बाद में, पहले मेरी बहन और मेरी दोस्त हो। मुझे लगता है मैं भी आप लोगों को कुछ लगता हूँ। हाँ हाँ, तो सब आपकी वजह से ही तो है। अल्लाह का शुक्र है कि आज इन दोनों के दरमियान जो दूरियां थी वो खत्म होने जा रही हैं। यकीन करें जब मुगीस ने मुझे ये बताया कि मुनज़्ज़ा घर आने के लिए मान गई है, मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात। लेकिन बहन मुझे कुछ तहफ़ुज़ात हैं। जी मैं सुन रही हूँ फारूक भाई। मैं चाहता हूँ कि मुगीस को भी बुला लें तो उसके सामने ही बात कर लें। जी मुगीस बेटा आप आए प्लीज। मुझे देखकर कॉल काटती? नहीं, कोई जरूरी फोन नहीं था। हमजा भाई की कॉल थी ना? नहीं। बात कर लें आप, मैंने कुछ कहा है क्या? I'll give you some space, hmm? वालेकुम अस्सलाम। बेटा फारूक भाई आपसे बात करना चाह रहे। जी खैर। देखो बेटा, जो कुछ भी तुम लोगों के बीच होता रहा है या तुम मेरी बेटी के साथ करते रहे हो, जो मैं अब कहने जा रहा हूं ये उसका रिएक्शन है, ठीक है? फारूक करो यार, तुम्हारी तरह नहीं हूं कि एक ले पालक बेटी के लिए सारी जिंदगी कमा लूं। मुनज़्ज़ा मेरी अपनी बेटी है, इसके लिए परेशान हूं मैं। ये आपके साथ बेटा अब एक ही शर्त पे जाएगी कि आपके घर में और आपके बिजनेस में इसका हिस्सा हो। आप कैसी बात कर रहे हैं फारूक भाई? मेरा जो कुछ भी है वो मुगीस और अलीना ही का तो है। और जो कुछ मुगीस का है वो मुनज़्ज़ा का है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये आप कह रही हैं, क्या गारंटी है कि कल को इनकी जिंदगी में दोबारा कोई दूसरी औरत नहीं आएगी और मेरी बेटी को ये अपनी जिंदगी से निकाल बाहर नहीं करेंगे? ऐसा क्यों सोच रहे हैं फारूक भाई? क्योंकि ऐसा हो चुका है इससे पहले। बहरहाल मेरा यही फैसला है, बाकी आप देख लें। फारूक
अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुश रहो, जीते रहो। थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफिज शबाना जी। मुझे तो यूं लग रहा है कि मेरी बहू आज पहली बार रुखसत होकर मेरे घर आई। अच्छा बस अब रुक जाएं, यहीं रुक जाएं आप लोग। भाभी आप जरा भाई के साथ हो गए। वैसे भाभी, are you sure? हाँ भाई, अब मैं आज से मुनज्जा को भाभी कहूंगी। रुके अम्मी, आप जल्दी से देना। Finally. चले बच्चो। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टुडे, माशाल्लाह। ये क्या बेकार की बातें कर रहे थे तुम नाजिया से? अब क्या बेकार की बातें कर दी मैंने? कौन रखता है अपनी बेटी की ससुराल के आगे ऐसी शर्तें? ये तो तुम बीच में बोलती ना तो एक एक बात मनवा कर रहता। क्यों फारूक, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें फिक्र थी कि मुनज्जा अपने घर जाए। अब वो जा रही है तो तुम उसके ससुराल के सामने ये शर्तें रख रहे हो? तुम्हें पता है वो लोग भी मानते और मुगीज भी मानता। क्या जरूरत थी बेकार की बातें करने की? ये बेकार की बात है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस घर में तुम्हारी उस मुंह बोली का कोई हिस्सा ही नहीं है क्या? ये घर तुम्हें विरासत में नहीं मिला है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, जिसे चाहूं दूं। ये किस्मत की धनी है वो लड़की, जिस माँ ने उसे छोड़ दिया था वो भी उसे करोड़ों का घर दिला रही है और तुम्हारे भी यही इरादे लग रहे। घरों से क्या होता है फारूक, अगर उस बच्ची की किस्मत में मोहब्बत ही नहीं है। ओ यार बस कर लो, सारी जिंदगी तो तुम्हारा दम निकला रहा है उस लड़की के लिए, उधर हमजा मरा जा रहा है उसके लिए, पागल हो गया है वो, और तो और तुम्हारे दामाद ने अब उसे बहन भी बना लिया है। अरे बहन बना नहीं लिया है, बहन है वो उसकी। जो भी है तुम्हारा रोना पीटना तो चल रहा है ना। तुम हानिया को छोड़ो, तुम मुनज्जा पे फोकस करो प्लीज। कल शाम को मुगीस के घर चलेंगे, माजरत करेंगे उनसे। माजरत? दिमाग खराब है तुम्हारा। बेटी उस घर में खुश रहे इसके लिए जरूरी है माजरत की जाए फारूक। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मुगीस बदल गया। तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए या ये फजूल शर्तें रखनी चाहिए उनके सामने? तुम्हें जाके माफी मांगनी है ना तो कर लो माजरत जाके, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना फिलहाल। तो मैं 2 दिन में अमेरिका जा रही हूँ, वहाँ एक सेमिनार है और हमें कुछ हॉस्पिटल के विजिट्स करवाना चाहते हैं। 15 दिन लग जाएंगे मुझे, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके जाना चाहती हूँ। वहाँ जाओगी, वहाँ तुम्हें डॉलर्स में पेमेंट होगी और वापस आके मुझ पर डॉलर्स का रूप भी डालोगी। ज्यादा अहम बात यह है कि मैं वहां जाके कुछ सीखूंगी। अरे यहाँ तो सीख लो कुछ पहले, वहां सीखूंगी, वहां सीखूंगी। फाइनली तो मेरे पास वापस आ गई। कितनी सख्त लोग हुई थी तुम। सॉरी। आओ कुछ दिखाता हूं। वो देख रही हो तुम्हारा कमरा, मैं अक्सर ऑफिस के बाद ज्यादातर वक्त टेरेस में गुजारता हूं। क्यों? अब शायद तुम नजर आ जाओ। मैं
ये सोच रही होगी कि मैं हानिया के पीछे इस तरह बेकरार था। मुझे जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने सोचा मैं एक शरई रिश्ते को छोड़ के एक साये के पीछे भाग रहा हूं। भागते भागते सब कुछ तबाह कर दिया मैंने। फिर एक रात मैंने अल्लाह से बात की, दुआ मांगी, बहुत माफिया मांगी। मैं गिड़गिड़ाया मैं कि मैंने ये क्या कर दिया। तुम्हें तो दुख दिया ही दिया, साथ में खुद को भी बर्बाद कर लिया। फिर मुझे सुकून आया, मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में ये यकीन डाला कि निकाह में बहुत ताकत होती है यार। और सच्चाई अपना रास्ता खुद बना लेती है। यकीन नहीं आ रहा? आ रहा है, तुमने खुद तो कहा सच्चाई अपना रास्ता खुद बना लेती है। हम एक हो गए। जी भी तुमसे माफी मांगनी है। अपनी जिद के लिए, अपनी अन्ना के लिए और बाबा की शर्तें। बाबा की शर्त के लिए तो तुम उनको खुद वजाहत दे चुकी हो। रही तुम्हारी जिद, इतना तो तुम्हारा भी बनता है यार। ठीक है, आज से कोई अना नहीं, कोई जिद नहीं और कोई शर्त नहीं, सिर्फ मोहब्बत। बस अब हमें एक आखिरी काम करना है। हानिया और हमसा को मिलाना है। हमजा भाई, आपके बाहर जाने का क्या बना? यार अगले मंथ की 17th को है, मैंने हाँ की तो उन्होंने फॉरेन ही फ्लाइट करवा दी। इतनी जल्दी? ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था, मैं ही टाल रहा था। और हानिया ने इनकार किया तो तुमने फॉरेन हाँ कर दी, अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा? अम्मी, हानिया ने कभी इनकार नहीं किया, इनकार आप करती रही है उसके। तो अब हाँ कर दो, चलती हूं ना मैं तुम्हारे साथ, झुका दो मुझे उसके आगे। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर भी हमजा भाई, गुंजाइश तो निकलती है ना? गुंजाइश दिलों में होती है। और अगर दिलों में ना हो तो जिंदगी में कहां गुंजाइश निकलती? तो अब मैं कह रही हूं ना, किस बात का इनकार है तुम्हें? अब शिजा फोन करो हानिया को, कहो हम आ रहे हैं वहां। बिल्कुल फोन मत करना, वो नहीं मानेगी।
इंसान एक हद तक ही अपनी तजील बर्दाश्त कर सकता है। हाँ तो मैं हूं ना बुरी, करती हूं मैं दूसरों को जलील। अरे नहीं अम्मी, आपने कहां उसको जलील किया है? ये सब तो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था ना। देखा देखा तुम लोगों ने कैसे मेरे खिलाफ कर दिया है मेरी औलाद को। इसीलिए चिढ़ती हूं मैं उससे, इसीलिए नफरत है मुझे उससे। उसने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों चिढ़ती हैं आप उससे। तुम भी मिल जाओ अपने भाई के साथ, जा। मैं अब आपको कुछ नहीं कह रही, आपको जो अच्छा लगता है, जो आपकी मर्जी है आप वो करें, लेकिन आप भाई को खो देंगी ये मैं आपको बता रही हूं। Okay.